Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. आप सबकी रिक्वेस्ट पे, हमारे UGC NET स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे, टुडे आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट. ही इज मिस्टर अभिषेक मोहंती. ही वॉज आर UGC NET स्टूडेंट फॉर द अटेम्प्ट जून 2020 में ये हमारे साथ जुड़े हुए थे. ही वॉज आर इनरोल स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट. And I'm very glad to tell you that he qualified, first of all, his GRF in management in his first attempt. And then today he has qualified the PhD interview, that is FPM interview at IIM Vishakhapatnam. So today we will talk about his strategy, his experience. And I'm very sure that the kind of person is, jis tarike se inhone apni taiyari kari hai, jis dedication se inhone apni taiyari kari hai, aapko inke experience se bahut kuch seekhne milega. So I welcome you, Abhishek, to our channel on Anuj Jindal. Thank you for the welcome, sir. Okay. Abhishek, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा that how does it feel to come back to a platform जहाँ last time आप एक student की तरह आए थे, एक net aspirant की तरह आए थे, and आज आप अपना interview experience share करने वाले हैं for your PhD related aspects. तो कैसा लग रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए अभिषेक. काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट ईयर 2020 जून में मैंने अपना UGC NET का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और अनुज जिंदल का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रिफर किया था. तो मैंने काफी प्लान्ड वे से अपना प्रिपरेशन किया था एंड एग्जाम भी दिया था सितंबर को यूजीसी नेट का, एंड आई क्लियर्ड द एग्जाम आल्सो. एंड उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था जहां पे मैंने अपना लर्निंग एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू यूजीसी नेट शेयर किया था. एंड आफ्टर दैट माई जर्नी टुवर्ड्स द PhD इंटरव्यू स्टार्टेड. And मैंने different B schools में अपने interview दिए, so it feels very good that I am able to convert the interview call of one of the esteemed IIMs. So काफी अच्छा लग रहा है, because throughout this journey the learning experience has been very good, and काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ research के बारे में जानने को मिला, so it feels very good. Also I would like to tell our viewers, मैं अपने सारे viewers को बताना चाहता हूँ कि अभिषेक उस नेट की वीडियो में, उस नेट की स्ट्रेटजी वीडियो में हमें प्रॉमिस करके गए थे दैट ही विल बी क्रैकिंग हिज PhD इंटरव्यू एंड देन ही विल बी कमिंग बैक. तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना कॉन्फिडेंट था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा था इनके पास कि अगर ये अच्छे से डेडिकेटेडली तैयारी करेंगे तो ही विल बी कमिंग बैक. एंड टुडे ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस शेयरिंग हिज PhD एक्सपीरियंस. दैट इज कमेंडेबल अभिषेक. हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन वंस अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू. दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे दैट What has been your educational qualification? अगर कुछ आपको work experience है तो उसके बारे में भी बताइए. And then what exams have you cleared before? And what interviews have you given for your PhD? And then you finally cracked your IIM interview at Vishakhapatnam. तो इसके बारे में कुछ बताइए अभिषेक. Sure sir. मैंने graduation BCom accounting honors में किया है और post graduation MBA in finance specialization किया है majors. उसके बाद मेरा 5 years का वर्क एक्सपीरियंस है इन ए लीडिंग ई लर्निंग कंपनी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, दैट इज इनिशिएटिव्स लर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां मैं माय रोल वाज मोर ऑफ ए कंटेंट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट, एन इंटरनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन फाइनेंस. तो दैट वाज बेसिकली माय वर्क एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट मैटर वाज कंसर्न. एंड अभिषेक, व्हाट वर द एग्जाम्स दैट यू गेव नेट क्लियर करने के सिवाय, और क्या-क्या आपने कहां-कहां PhD इंटरव्यू दिया? The exam which I gave for was obviously UGC NET, and the institute जहाँ पे मैंने अपने PhD interviews दिए were IIM Kashipur, XLRI Jamshedpur, IIM Ranchi, XIMB Bhubaneswar, and IIM Vishakhapatnam. So I converted the call for XLRI Jamshedpur and XIMB Bhubaneswar as well, along with IIM Vishakhapatnam. But ultimately, I decided to join IIM Vishakhapatnam considering the stipend, the faculty, and the other good factors. So these are the campuses for which I appeared for the interview and the campuses जिसको मैंने convert किया. Wonderful. So first of all, देखिए आप notice करिए कि अभिषेक कितने dedicated रहे हैं अपने area की तरफ. So he hasn't changed his area. So he was a MBA in finance specialist. Then he went on to become an expert experience जो इन्होंने लिया वो भी finance की field में लिया. And I'm sure कि जो ये PhD में भी specialization या जो area चुनने वाले हैं वो भी finance में ही होगा. And also that brings me to another conclusion जो मैं हमेशा अपने student से कहता हूँ
कि जब भी आप पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलवेज अप्लाई फॉर 3-4 प्लेसेस बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ. तो जब आप 3-4 जगह अप्लाई करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस बट आपको आइडिया भी लगता है कि हर इंस्टीट्यूट के क्या एडवांटेजेस है, क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं. तो आपने देखा कि अभिषेक ने भी ऐसा ही किया, ही गेव इंटरव्यूज बहुत सारी जगह, उन्होंने क्वालिफाई भी किया, क्रैक भी किया इंटरव्यू, एंड फाइनली फिर कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे जो भी उन्हें अच्छे लगे ही हैज चोजन आईआईएम विशाखापुर विशाखापट्टनम विच इज वन ऑफ द अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स इन द होल कंट्री इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक, जो कि काफी सारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट के टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, काफी लोग बाद में करते हैं. सो व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन, पीएचडी प्रिपरेशन, एंड हाउ, कैसे शुरू करी आपने प्रिपरेशन? मैंने पीएचडी का प्रिपरेशन अपने रिजल्ट के बाद ही शुरू किया बिकॉज आई रिमेम्बर December 1, 2020 को यूजीसी नेट का रिजल्ट निकला एंड एट दैट सेम टाइम डिफरेंट कॉलेजेस के एप्लीकेशन भी निकल रहे थे फॉर अप्लाइंग फॉर पीएचडी. तो मैंने दिसंबर को ही पीएचडी का प्रिपरेशन शुरू कर दिया. मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे फोकस किया एंड अपना रिसर्च टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया. सो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे मेरा ये फोकस था कि व्हाई शुड आई जॉइन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. सो आई ट्राइड टू यू नो मैप माय एम्बिशंस टुवर्ड्स द प्रोग्राम और उससे एक्सपेक्टेशन क्या थे. तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया कि बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ लेट्स से बिहेवियरल फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस. सो दीज आर द 3 एरियाज विच वेर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट. तो मैंने इन 3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस किया एंड डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़े. सो बेसिकली shodhganga.com इज वन ऑफ द वेबसाइट जहां पे डिफरेंट रिसर्च पेपर्स ऑफ फाइनेंस रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं. शोध गंगा, देन देर वॉज रिसर्च गेट, देन देर इज वन इंटरनेशनल फाइनेंस जर्नल. सो दीज वेर सम ऑफ द सोर्सेज जहां पे मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़े एंड बेसिकली ट्राई आइडेंटिफाई किए कि रिसर्च गैप्स क्या है. बिकॉज जब भी आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो ऐसे रिसर्चर, तो आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहोगे तो वहां पे आपको रिसर्च गैप आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, देन द रिसर्च प्रॉब्लम और द रिसर्च क्वेश्चन अराइजेस ड्यू ऑन विच बेसिस रिसर्च विल बी फॉलोड. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी. सिंस यूजीसी नेट पेपर 1 में देर वॉज अ चैप्टर कॉल्ड रिसर्च एप्टीट्यूड. सो वहां से मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर थे फ्रॉम अनुज जिंदल ऑनलाइन मटेरियल, रिसर्च व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च. एंड उनके वेबसाइट में भी, उनके यूट्यूब चैनल में भी कुछ वीडियो है कि हाउ टू राइट ए रिसर्च प्रपोजल और हाउ टू फॉलो द रिसर्च मेथोडोलॉजी. तो मैंने ऑनलाइन से भी कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा कि कैसे अप्रोच होना चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई पीएचडी प्रिपरेशन. टू समिट अप दीज आर द रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आइडेंटिफाइड द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट. दीज आर द 3 पिलर्स बेस्ड ऑन विच माई इंटरव्यू आई प्रिपेयर. सो इन 3 पिलर्स के बेसिस पे मैंने अपना इंटरव्यू प्रिपेयर किया. वंडरफुल. सो आई थिंक अभिषेक ने बहुत डिटेल में, बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें बता दी हैं. एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, जो एक कॉमन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है नेट एस्पिरेंट्स का, कि सर क्या हमें नेट के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या फिर पीएचडी के बाद. नाउ देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, सिंस अभिषेक इज नाउ इन आईएम, तो मैं बता दूं कि जब आप आईएम्स में अप्लाई करते हैं तो वहां पे जेआरएफ कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है. नाउ सपोज यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर योर पीएचडी ड्यूरिंग योर नेट प्रिपरेशन, आप एक टाइम पे दोनों चीजों की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नहीं करनी चाहिए, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए, प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें. बिकॉज अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हैं और अलग अलग जगह पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरिट बेसिस पे थोड़ा सा उन स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है. तो नेट जेआरएफ का आपको हमेशा एडवांटेज मिलता है, तो सबसे पहले आपका फोकस वहां होना चाहिए. एंड जैसे कि फिर अभिषेक ने बताया, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं वीडियोस में भी, कि रिसर्च गैप फाइंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रैंडमली अगर आप कोई टॉपिक उठा लेंगे तो आप कभी भी अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक अभिषेक ने बहुत ही सिस्टमैटिकली काम किया है, सोर्सेज भी उन्होंने आपको बता दिए कि शोध गंगा, रिसर्च गेट एंड वेरियस अदर सोर्सेज आर देयर. सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिसर्च गैप फाइंड करके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा. सो आई थिंक अभिषेक सब दिख रहा है कि आपकी मेहनत आपने कैसे कैसे करी है, एंड आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं. थैंक यू सर.
Now the next question is, सबसे important चीज ये है कि आपने sources बता दिए, आपने उनको ये भी बता दिया कि किन किन चीजों पे focus करना है. Now the idea is कि क्या elements होते हैं, मतलब basically what are the things that you have to include in your statement of purpose, उसके बारे में कुछ बताइए अभिषेक. So basically जब मैंने IIMs के statement of purpose के बारे में लिखा, so the first thing they will ask is, why do you want to join our particular institute? तो आपको इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रिसर्च जर्नल्स दे हैव, व्हाट इज योर एम्बिशन, आप क्यों वहां अप्लाई करना चाहते हैं. कंसीडरिंग योर एम्बिशन, आपको पता होना चाहिए कि द टॉपिक्स और द फाइनेंस टॉपिक्स इन विच यू हैव कीन इंटरेस्ट. तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए. आफ्टर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान फॉर डूइंग पीएचडी, कि बेसिकली आप पीएचडी किस पर्पस से कर रहे हो, कि वेदर यू वांट टू बी रिसर्च स्कॉलर, वेदर यू वांट टू एक्सटेंड योर जर्नी एज ए प्रोफेसर, वेदर यू वांट टू गेट योर रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ जर्नल. सो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी झलकना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी. एंड आपका पैशन भी होना चाहिए, बिकॉज पीएचडी इज ए 4 to 5 ईयर्स ड्यूरेशन प्रोग्राम एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एकेडमिक्स. So these are some of the things which they ask you in your SFP, and you have to keenly display your interest and your inclination towards academics and research. Right, wonderful. So I think Abhishek ने बहुत beautifully sum up किया है कि vision और clarity होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर आप PhD क्यों करना चाहते हैं. It is just a mere degree for you, or you actually passionate about research. Because especially अगर मैं IIMs के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे 5 years का प्रोग्राम होता है FPM प्रोग्राम के अंदर, which is not a small journey. तो until unless you are passionate about research, 5 साल आपसे PhD होगी नहीं डेडिकेटेड तरीके से. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर पैशनेट अबाउट इट. एंड ऑल्सो जैसे कि अभिषेक ने कहा कि आपको अलाइनमेंट देखना पड़ता है कि जो आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, क्या इंस्टीट्यूट उन पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है या फिर नहीं. टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट XLRI, बिकॉज अभिषेक ने मेंशन किया था. नाउ XLRI जमशेदपुर इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम 1970s इट हैज स्पेशलाइज्ड इन द एरिया ऑफ HR. वहां से शुरू हुआ था HR specialization से, now of course it has specialization in all the subject. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस institute में जा रहे हैं आप, वो आपके area में खरा उतरता है कि नहीं, या फिर आपके area में अच्छी research produce करता है कि नहीं. Then only it is going to be a win-win situation. Otherwise it is going to be a win-lose situation. So great work Abhishek. I'm sure बहुत research आपने institute के ऊपर भी किया होगा before you went on to propose your statement of purpose. यस सर, इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी काफी रिसर्च किया कि वहाँ के फैकल्टी कैसे, रिसर्च जर्नल्स उन्होंने कितना लिखा है, एंड व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशंस. Absolutely. Abhishek, that brings me to next question, जो कि बहुत सारे students जानना चाहते हैं, because interview एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ candidate और panel के बीच में होता है, तो students को पता नहीं चलता है. So अपने interview experience के बारे में बताइए, किस level के question पूछे गए थे, and किस किस subject से पूछे गए थे. Were they only inclined towards your proposal or statement of purpose, area से पूछे गए थे, या फिर statistics and research related भी questions थे, इसके बारे में कुछ बताइए अभिषेक. सो इंटरव्यू के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इट इज एवरीथिंग अंडर द सन, बिकॉज बेसिकली तीन चीजें वो पूछते हैं. फर्स्ट तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिलेटिंग टू एरिया ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंस. सेकेंडली, सिंस यू आर गोइंग टू अंडरटेक रिसर्च, तो बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी आपका होना चाहिए, विच यू माइट हैव स्टडीड व्हाइल प्रिपेयरिंग UGC नेट ऑल्सो. सो दे ऑल्सो आस्क अबाउट द बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज. एंड थर्डली, वो करेंट बिजनेस सिनेरियो या फाइनेंस सिनेरियो के बारे में पूछते हैं, रिलेटेड टू इकोनॉमी. एंड वो पूछते हैं कि अभी क्या इकोनॉमिक सिनेरियो या फाइनेंशियल सिनेरियो चल रहा है. फोर्थली, अगर आपने SOP में कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया होगा, तो वो उसके बारे में पूछते हैं कि इन दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट व्हाट इज द रिसर्च आर्टिकल और व्हाट इज द रिसर्च प्रपोजल यू आर प्लानिंग टू राइट, and what is the research gap you have identified. So अपना जो area of interest वाला topic है, उसमें आपको clarity होना चाहिए कि इस topic में आप क्या research करना चाहेंगे, and also which are the research articles you have read before. Right. वो भी वो पूछते हैं कि जैसे कि मेरा topic था, उन्होंने पूछा था कि let's say for example capital markets के related आपने कौन कौन सी research report पहले पढ़ी है. तो क्या होता है कि वो उस reports के बारे में भी पूछेंगे, sources के बारे में भी पूछेंगे, और ये भी पूछ लेंगे कि वहां से कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ लेंगे. जैसे कि IPO के बारे में पूछ, मेरा रिसर्च टॉपिक था, तो वहां पे उन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछ लिया, एंड वन और टू फाइनेंशियल जार्गन्स के बारे में पूछ लिया.
राइट सो बेसिकली इंटरव्यू इज एवरीथिंग अंडर द सन. आपको अपना टॉपिक्स के बारे में, की फाइनेंशियल सिनेरियोस ऑन ऑल्सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फाइनेंस विच दे कैन आस्क एट रैंडम. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच दे आस्क्ड इन इंटरव्यू. इट वॉज बेसिकली वेरी ब्रॉड एंड रिलेटेड टू ओनली दोज एरियाज विच वी हैव स्टडी एंड विच यू शुड बी एक्वेंटेड विद. वंडरफुल. सो आई थिंक अभिषेक ने बहुत इन डेप्थ में बता दिया हमें, एंड जैसे कि स्टूडेंट्स के दिमाग में मिसकंसेप्शन भी रहता है, तो आई एम श्योर अब क्लैरिटी आ गई होगी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभिषेक दैट जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, मतलब रिसर्च एक ऐसी चीज है विच इज अ सेल्फ ड्रिवन एलिमेंट. वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है जो लगातार आपके पीछे पड़ा होता है, लगातार आपको एग्जाम्स देने होते हैं. सो आप अगर खुद सेल्फ ड्रिवन नहीं है रिसर्च की तरफ या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जो आपने चुना है, देन यू विल नॉट बी एबल टू बी थॉरो विद इट. तो आई एम श्योर यही रीजन है कि जो स्पेशली जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है सच एज आईआईएम्स, वो इतनी ज्यादा इनडेप्थ क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट केपेबल इनफ है, इज ही पैशनेट इनफ, क्या उसने अपने रिसर्च एरिया को, रिसर्च टॉपिक को अच्छे से पढ़ा भी है, और ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिग्री आउट ऑफ इट, मेक अ डिग्री आउट ऑफ दिस पीएचडी जर्नी. तो आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया होगा कि आपको बहुत इनडेप्थ क्लैरिटी लेके जाना है, वेदर इट बी योर एरिया, वेदर इट बी योर प्रपोज रिसर्च टॉपिक, एंड ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च तो पढ़ना ही पड़ेगा. सो थैंक यू अभिषेक फॉर इनलाइटिंग अस विथ योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि एक स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होता है कि अगर उनको पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, सो कौन कौन से स्पेसिफिक सोर्सेज हैं या फिर कौन कौन से स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जहां पे उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एंड कितने डेप्थ में पढ़ना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा सा इसके बारे में अभिषेक एनलाइटन कर दीजिए प्लीज. श्योर सर. तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंस. लेट्स से आप फाइनेंस में फील्ड में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के एरिया में इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, उसके बेसिक्स के बारे में. सो बेसिकली अकाउंटिंग का जो टॉपिक है, जो आपने यूजीसी नेट का सिलेबस से पढ़ा होगा या फिर अपने एमबीए के करिकुलम से पढ़ा होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए. और कॉर्पोरेट फाइनेंस के कुछ की टॉपिक्स है जैसे कि कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यूएशन. तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का भी कुछ सिलेबस यूजीसी नेट में कवर्ड है, एंड आपके एमबीए बुक्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बुक्स से भी आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिकॉज बुक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस के भी काफी अच्छे बुक्स आपको मिल जाएंगे. एंड ये हो गया सब्जेक्ट का, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. सेकेंडली आपको अपने की टॉपिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल माई की एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉज बिहेवियरल फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स. तो कैपिटल मार्केट्स में बेसिक टर्म्स क्या है, आईपीओ क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फिर बिहेवियरल फाइनेंस का बेसिक्स क्या होता है. तो आपको अपने टॉपिक्स का बेसिक और फाइनेंशियल जार्गन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. सो दैट इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंस के बेसिक टर्म्स जो होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स हो गया. तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स एंड जार्गन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, बिकॉज फाइनेंस एक ऐसा टर्म है विच इज वेरी ब्रॉड. तो फाइनेंस के अंदर आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यूजीसी नेट में बिजनेस फाइनेंस या फिर वैल्यूएशन के बारे में, डिविडेंड मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए. एंड फोर्थ हो गया कि करेंट फाइनेंशियल हैपनिंग्स क्या चल रहा है, इकोनॉमी में फाइनेंस का क्या चल रहा है. लेट्स से कि आरबीआई का रेपो रेट ने क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी का क्या है. तो इकोनॉमिक्स टाइम्स या फिर कोई भी लीडिंग न्यूज़पेपर में जो फाइनेंशियल सेक्शन होता है, तो वो आपको पढ़ के जाना चाहिए. एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरव्यूज में होता है कि वाई पीएचडी एंड व्हाट इज योर एम्बिशन, विच इज द जेनरिक क्वेश्चन, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए. तो आई थिंक वाई पीएचडी में आपको अपना पैशन रिफ्लेक्ट करवाना चाहिए, बिकॉज यू शुड नो कि इट इज ऑफ 5 years आई एम एबल टू डेडिकेट माय टाइम, पैशन, एंड आई हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड. आई शुड नो कि इस टॉपिक में आई वांट टू परस्यू रिसर्च, एंड आफ्टर डूइंग पीएचडी आई विल गो इनटू टीचिंग फील्ड एज वेल एज रिसर्च फील्ड. तो आपको अपना लॉन्ग टर्म व्यू पता होना चाहिए कि आप पीएचडी किस लिए कर रहे हो, बिकॉज पीएचडी इज अ प्रोफेशन विच विल मेक यू अ रिसर्च स्कॉलर एज वेल एज अ गुड एकेडमिक टीचर. सो इट इज लाइक वेरी नोबल प्रोफेशन, बिकॉज टीचिंग इज कंसिडर्ड एज पर मी इज वन ऑफ द प्रोफेशन विच क्रिएट्स अदर प्रोफेशंस. राइट, एब्सोल्युटली.
अभिषेक, मुझे लगता है कि अभिषेक ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली वाइल दे आर प्रिपेयरिंग। एंड वो ये है कि उनका ये इंक्लिनेशन रहता है कि हम सिर्फ अपना सब्जेक्ट या फिर अपना एरिया एंड टॉपिक पढ़ के चले जाएं। वेयर एज मैं आपको बता दूं कि जब आप इनिशियली इंटरव्यू देते हैं तो सिर्फ आपका टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ टॉपिक पे फोकस नहीं होता है, बिकॉज द टॉपिक हैज नॉट बीन फाइनलाइज। सो अगर अभिषेक को भी पता होगा एंड आप सबको भी पता होगा कि आप सबसे पहले अपना कोर्स वर्क करते हैं एंड कोर्स वर्क के बाद आपके टॉपिक की फाइनलाइजेशन होती है। तो एट द वेरी ऑनसेट आपसे इंटरव्यू में कैंडिडेट ये एक्सपेक्ट करता है, जो पैनल बोर्ड है, इंटरव्यू पैनल बोर्ड है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका होराइजन वो देख सके कि क्या आपको चीजें ब्रेथ में पता है। दैट इज जैसे कि अभिषेक ने एग्जांपल दिया कि अगर आप फाइनेंस में प्रिपेयर करें तो सिर्फ फाइनेंस नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा अकाउंटिंग भी आना चाहिए, थोड़ा सा बैंकिंग भी आना चाहिए। एंड फाइनेंस में भी बहुत सारे पार्ट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसको 360 डिग्री अप्रोच से अप्लाई कर सकें रिसर्च के अंदर। सो आई थिंक इस तरीके से अगर आप होलिस्टिक व्यू लेके इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं तभी आप एटलीस्ट टॉप इंस्टीट्यूट्स के इंटरव्यूज आप तभी क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अभिषेक, नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर इंटरव्यू, दैट इज व्हाट इज वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, बिकॉज इस टाइम पे स्टूडेंट्स काफी पैनिक में है, कोविड की वजह से एग्जाम भी डिले हो गया है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एज वेल एज पीएचडी साइमल्टेनियसली, तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? See, basically the first thing is जो भी students इस line में आना चाहते हैं, PhD and UGC net के line में आना चाहते हैं, three things which are needed, एक तो long term clarity होना चाहिए, एक तो मतलब preparation होना चाहिए, routine wise preparation, and तीसरा is self motivated। तो अगर आप PhD करना चाहते हो तो long term clarity, आप PhD क्यों करना चाहते हो, that should be in your mind, आपका preparation planned होना चाहिए, because अगर आप इन ए प्लान वे डेली लेट्स से 8 to 10 hours या फिर 7 to 10 hours डेली आप प्लान करते हो फॉर यूजीसी नेट एज वेल एज पीएचडी प्रिपरेशन, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां से झलकेगा। प्लान मीन्स आपको रेगुलरली स्टडी करना पड़ेगा एंड रूटीन वाइज से पढ़ना पड़ेगा। थर्डली सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, बिकॉज लेट्स से आप पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड थिंक ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट फर्स्ट। I agree that there is a lot of competition in a campus के लिए, let's say 20-25 students in a finance area appear होते हैं students interview के लिए, out of which let's say 4-5 students at max in a specific area get selected. Right. So आपको different institutes target करना चाहिए जहाँ पे competition let's say diversify हो जाए। You should not depend on one particular institute. Absolutely. And आप अगर आप PhD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने टॉपिक्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। आपको अपने ऊपर डेली वर्क करना पड़ेगा कि यू आर बेटर देन यस्टरडे। तो आप जो भी एक टॉप 2-3 टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर आप डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स या रिसर्च पेपर पढ़िए, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। तो वंस आपने यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना क्लियर कर दिया, आपको अपने टॉपिक के बारे में आइडिया है, आपको ये पता है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, आपने अपना इंस्टीट्यूट्स ऑफ चॉइस आइडेंटिफाई कर दिया, लेट्स से 6-7 इंस्टीट्यूट्स जहां पे आप इंटरव्यू दोगे, सो यू विल गेट मोर चांसेस कि हाँ इंस्टीट्यूट वन का इंटरव्यू एवरेज गया तो आई विल यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस टू प्रिपेयर बेटर फॉर इंस्टीट्यूट टू। आई एम कम्पीटिंग विथ माई सेल्फ, ऑल्दो देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कम्पीटिंग, बट सेल्फ कॉम्पिटिशन एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। सो अगर आपको अपना जर्नी के बारे में पता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, मुझे पीएचडी में 5 साल डेडिकेट करना है, फर्स्ट 2 साल में मुझे बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंस पढ़ना है, दैट इज सिक्योरिटी मार्केट वैल्यूएशन कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके बाद अगर मैं कोई और टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकूं अपने रिसर्च के लिए तो दैट इज बेटर। सो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा एंड यू शुड बिलीव कि पीएचडी इज अ प्रोफेशन दैट विल लीड इट इनटू टीचिंग, सो मोर स्कोप विल ओपन गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर आप इस लाइन पे है तो फर्स्ट थिंग इज नेवर टू गिव अप, की कंसिडरिंग ये करके कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे, मैं कैसे कम्पीट करूँ। यू शुड कम्पीट विथ योर सेल्फ फर्स्ट एंड स्टिक टू योर एम एंड प्लान इन एंड प्रिपेयर इन अ वेरी मच प्लान मैन। वंडरफुल। सो आई थिंक अभिषेक has a lot of things to offer, especially the self-motivation जो इनका है वो बहुत high है, साथ साथ the way he looks at things, तो जैसे इनका attitude है कि रोज आपको पिछले दिन से yesterday से better होना है, मतलब एक learning attitude इनके अंदर मुझे नजर आ रहा है, that matters a lot, especially when you're going through a profession like research or PhD. So thank you so much अभिषेक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी आज शेयर किया, जो भी आपने अपना experience शेयर किया एंड जो strategy बताई वो हमारे future aspirants के लिए बहुत
काम आएगी, बहुत अच्छी होगी, एंड दे गोना टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. एंड ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर योर PhD जर्नी. एंड आई जस्ट एश्योर यू कि आपको कभी भी जरूरत पड़े, वी एट अनु जिंदल आर ओपन फॉर यू फॉर एनी हेल्प एंड सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड यू. थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अभिषेक. थैंक यू सर. थैंक यू.